नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं बर्थ मार्क के बारे में, जन्म की जो निशानी होती है हमारे शरीर पर उसके बारे में। इसके बारे में मैं ये शायद पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जितने महीने अब तक किताबें पढ़ी उसमें इतना इसके लेकर इतना बड़ा ऐसा कुछ लिखा नहीं था मैटर कि मैं मतलब आपके सामने भी वो रखूँ, क्योंकि मुझे ही डेटा कुछ मिला नहीं। लेकिन हाल ही में एक किताब में पढ़ रहा था जिसका नाम है बॉर्न अगेन, उसमें कुछ डेटा मुझे मिला, कुछ जानकारी मिली, वो मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर इवान स्टीवेंसन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उनका एक उन्होंने डेटा भी बनाया था कि किस तरह से उन्होंने जो पुनर्जन्म की घटनाएँ हैं या फिर जिन बच्चों को अपने पुनर्जन्म के बारे में पता है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी उन्होंने ली, और वही जानकारी उन्होंने लोगों को भी बहुत ही अच्छे से, बहुत सारी किताबें हैं उनकी तो इस माध्यम से उन्होंने दी। डॉक्टर स्टीवेंसन के कहने से हिसाब से वो हमसे ये कहते हैं कि जो बर्थ मार्क होते हैं इसका भी हमारे पिछले जन्म से बहुत ज़्यादा संबंध हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि कोई इंसान अगर चाकू के घाव से या फिर तलवार के घाव से किसी एक जीवन में चला गया, समझो कोई युद्ध में मारा गया, उसको तलवार का घाव लगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके अगले जन्म में वैसा घाव उसके शरीर पर हो। मतलब क्या कि वो बर्थ का मार्क हो, जन्म की जो निशानी है वो बन के वो उसके जीवन में आए। कुछ ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस में मैंने आपसे एक बात हाल ही में मैंने एक केस आपके सामने रखी थी कि उनके पेट पर एक ऐसा निशान था काला, और बाद में उनको पता चला कि वहाँ पर उनकी तलवार लगी थी और वो इस दुनिया से चले गए थे। सिर्फ वो निशान ही नहीं था दोस्तों, बल्कि उस तलवार के निशान को, जो काला कलर का उनके पेट के यहाँ पर निशान था, उसको दर्द भी होता था कभी कभी। मतलब क्या कि ऐसी चीज़ें कभी कभी होती है, जो बर्थ मार्क होते हैं उसके भी पीछे कहीं ना कहीं कुछ राज होते हैं। हमेशा ही वो राज हमारे सामने आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन बर्थ मार्क भी जो होते हैं उसके भी पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से आत्मा उसको लेकर चलती है। तो ये कारण क्या होगी होगे कोई इंसान पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही करेगा, या फिर उसके सामने सपने में या फिर ध्यान में कुछ ऐसी बातें आएंगी जहाँ पर उसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ऐसा हर बार नहीं होगा दोस्तों, लेकिन उस आत्मा जो होती है, जिस तरह से मैं किसी मतलब सब किसी रेगिस्तान में चला गया और वहाँ पर मैं घूमा फिरा, और जब मैं एक नॉर्मल सिटी में आऊँगा तो कुछ रेत के जो कण होंगे वो मेरे चप्पल में या फिर मेरे मतलब कपड़ों में लगे होंगे। मतलब क्या है कि जहाँ पर हम जाते हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे साथ होता है। मैं किसी देश में चला गया, मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहा और फिर से अपने देश में आ गया, तो उस देश की कुछ बोली भाषा या फिर कुछ ऐसी चीज़ मेरे साथ, मतलब मैं उसको मिस करूँगा या फिर मेरे साथ वो कहीं ना कहीं आएंगी, बाद में धीरे धीरे वो चली जाएंगी। वैसे ही आत्मा भी जो होती है वो एक रूप में लेकर जब नए रूप में धारण करती है या फिर एक नया जन्म लेती है, तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पहले जन्म की कुछ बातें उसके साथ मतलब इस तरह से चली आई, जिसको उस जीवन का जो इंसान होगा वो फटक से समझ नहीं सकता। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर ब्रायन विज ने कहा है कि किसी आत्मा का, जी किसी इंसान का अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए तो बहुत बार क्या होता है कि जिस जीवन में उसके सामने बहुत ही ज़्यादा बड़ा दुख आया होता है, उस दुख को वो फटक से मतलब कैच कर लेता है, मतलब ये उस जीवन को वो बहुत ही जल्द याद करता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जब उस आत्मा के ऐसे मतलब पल आए थे जहाँ पर उसके वो बहुत ही बड़े दुख का सामना या फिर बहुत ही बड़े संकट का सामना करना पड़ा था उस आत्मा को, उस जीवन को वो कभी कभी नहीं भुला पाती, कभी भी नहीं भुला पाती, तो इस वजह से वो जीवन उनके सामने आता है। इस वजह से ये जो कहानी है मैं आपको बर्थ मार्क के ही बारे में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे जो बर्थ मार्क होते हैं वो बहुत बार उस इंसान के जीवन में इस तरह से फिर से लौट आते हैं। बहुत बार हारी मैंने एक ऐसी भी कहानी आपके सामने रखी थी कि एक लड़की के घुटने से लेकर पैर तक एक ऐसा निशान था, और बाद में उसको पता चला था कि एक जीवन में उसको जिंदा जलाया था उस गांव के लोगों ने, और एक इंसान ने वैसे ही जलती हुई लकड़ी उसके पैर पर ऐसे घुमाई थी और इस वजह से उसके मतलब पैर में वो निशान था। मतलब ऐसे जो चीज़ें होती है, ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि उस आत्मा ने कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े दुख का सामना उस वक्त किया था और इस वजह से वैसे निशान उनके सामने आए होंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो आत्मा होती है वो कभी कभी पुरानी चीज़ को इस तरह से आराम से भुला नहीं सकती, और हम तो इंसान है, हम तो कभी कभी नहीं भुला पाते। अगर कोई ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारे सामने घटना आई तो हम उसको भी भुला नहीं पाएंगे, वो सारी चीज़ें हमारे आँखों के सामने बार बार आती रहेगी। तो इस तरह से जो जन्म की निशानियां हैं, जो बर्थ मार्क है, उसके भी पीछे बहुत सारे कभी कभी राज होते हैं। कभी कभी वो हमारे सामने आते हैं, कभी कभी नहीं आते। अगर नहीं आते तो भी कोई आपको परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन पॉसिबल नहीं हो रहा तो आप ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें डीप जाए और उसमें अगर आप प्रार्थना करने की कोशिश करें, मतलब ध्यान करने से पहले कि हमें इन सारे सवालों के जवाब अगर मिल जाए तो धीरे धीरे हो सकता है कि 2-3 महीनों में कुछ अच्छा रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाए। लेकिन जितना हो सके हमें
जितना हम कोशिश घर पे कर सकते हैं उतनी हमें अगर करें तो उसमें कुछ अगर सक्सेसफुल सक्सेस हाथ में लगा तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हमें भी उस तरह से मिल सकते। तो दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े, इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।